यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मरथा सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का 8 सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहाँ है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो पर्व में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा,
ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का 8 सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहाँ है, और वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने
जो उस समय उसके साथ थे,